हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विश्वजीत। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल विश्वजीत। फ्रेंड्स, आज हम एक प्रोजेक्ट बनाने जाएंगे, बहुत सिंपल प्रोजेक्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए लगेगा 470 ओम्स का रेजिस्टेंस, 470 का, और 3 LED लगेगा, 3 पीस। आप 3 कलर का ले लीजिए, ग्रीन, रेड और वाइट कलर का। और लगेगा एक बाजार, ये बाजार आपको इलेक्ट्रिक शॉप में आसानी से मिल जाएगा। और आपका ट्रांजिस्टर लगेगा BT547 का, 4 पीस, 4 पीस लगेगा। उसके बाद एक चार्जर सॉकेट लगेगा, मोबाइल चार्जर का सॉकेट, और एक बैटरी लगेगा 9 वोल्ट, देखिए 9 वोल्ट का बैटरी। उसके बाद देखिए, ये जो एक वायर ले लिया था माँ का, वायर से हम ये जो ट्रांजिस्टर है इनका जो लेफ्ट साइड लेग है वो सब कनेक्ट करेंगे, चारों ट्रांजिस्टर का लेफ्ट साइड लेग कनेक्ट करेंगे। देखिए, ट्रांजिस्टर हम जहाँ पर आपका 547 लिखा है वो आप ऊपर रख के उनका जो लेफ्ट साइड जो लेग है वही कनेक्ट करेंगे, वैसा करके चारों ट्रांजिस्टर का एक साथ कनेक्ट कर देंगे। चलिए सोल्डरिंग कर देते हैं सभी का। फ्रेंड, वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया है, चारों ट्रांजिस्टर का लेफ्ट साइड जो लेग है वो एक साथ कर दिया। उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस दिया था, ये सभी का जो ट्रांजिस्टर है चारों, उनका जो राइट साइड जो लेग है उसमें लगाएंगे, राइट साइड लेग में चारों ट्रांजिस्टर का रेजिस्टेंस लगा देंगे। देखिए, ऐसा करके लगा दिया। उसके बाद एक LED बल्ब ले लेंगे, ये पुराना एक खराब LED बल्ब है। इस LED बल्ब में हम अंदर जो है वो सब खोल लिया, और ये सर्किट जो हमने बनाया है ये सब अंदर फिट करेंगे। देखिए, हम सब खोल लिया, ये वायर भी खोल लेंगे, ये वायर भी खोल लिया, और इनको हम क्या करेंगे, छेद कर देंगे। छेद करके यहाँ LED बल्ब लगेगा। देखिए, ये जो छेद कर लिया हमने, देखिए यहाँ पर एक सॉकेट लगेगा चार्जर का सॉकेट, और एक से वायर निकले का। हमने ये कैंची से होल किया क्योंकि मेरे पास ड्रिल मशीन नहीं है, और सोल्डरिंग आयरन से नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ जो देख रहे हैं मेटल पार्ट है, इसलिए सोल्डरिंग आयरन से होल नहीं हुआ, छेद नहीं हुआ, इसलिए हम कैंची से होल कर दिया। देखिए, हमने यहाँ पर तीनों LED बल्ब और एक बाजार लगा दिया, वाइट, ग्रीन और रेड, और एक बाजार लगा दिया। उसके बाद देखिए, ये जो पॉजिटिव है चारों का, सब पॉजिटिव का हम एक साथ कर देंगे, जितना सारा पॉजिटिव है चारों का वो एक साथ कर देंगे। देखिए, कर लिया। उसके बाद देखिए, पहले वाला जो ट्रांजिस्टर का जो रेजिस्टेंस का जो लेग है उसमें हम क्या करेंगे, बाजार लगाएंगे। पहले वाला जो एक नंबर जो ट्रांजिस्टर का लेग है उसमें बाजार लगेगा, और दो नंबर में रेड कलर का LED लगेगा, तीन नंबर में ग्रीन कलर का LED लगेगा, और लास्ट में जो है वो वाइट कलर का LED लाएगा, सबका नेगेटिव लाएगा क्योंकि हमने जो सब पॉजिटिव एक साथ कर लगा दिया, इसलिए वो नेगेटिव लाएगा। उसके बाद चलिए, ये जो बैटरी का जो वायर है इसको हम कनेक्शन करते हैं। देखिए, बैटरी का जो नेगेटिव है, नेगेटिव को हम क्या करेंगे, ये जो ट्रांजिस्टर का जो लेफ्ट साइड लेग एक साथ लगाया है वहाँ पर लगा देंगे, और पॉजिटिव को क्या करेंगे, वो जो रेड आपका 3 LED का जो पॉजिटिव लगाया है एक साथ वहाँ पर लगा देंगे। फ्रेंड्स, हम एक ड्राइंग दे देंगे, आप देख लीजिएगा। देखिए, उसके बाद ये जो सॉकेट दिख रहा है उसको हम लगा देंगे। सॉकेट हम कैसे पहचानेंगे प्लस और माइनस, ये हम एक LED बल्ब जला के देख ले रहा हूँ। LED बल्ब का जो बड़ा लेग है वो पॉजिटिव है, और जो छोटा लेग है वो नेगेटिव है। मिल गया मेरे को मेरा पॉजिटिव, आप भी देख लीजिएगा ऐसा करके। देखिए, हम पॉजिटिव में रेड कलर का वायर लगा दिया, और नेगेटिव में येलो कलर का वायर लगा दिया। उसके बाद चलिए इसको फिट करते हैं। देखिए, बैटरी का जो रेड कलर का जो पॉजिटिव है, बैटरी में जहाँ कनेक्शन हुआ है सेम उसी में ये कनेक्शन होगा। देखिए, ऐसा करके लगा दिया। उसके बाद देखिए, ऐसा 5 वायर ले लेंगे, आप कोई भी वायर ले लीजिए 5 वायर। उसके बाद देखिए, एक जो वायर देख रहा है एक कॉमन वायर है, ये कॉमन, ये कैसे काम होगा, क्या काम होगा बाद में बोलेंगे। देखिए, ये जो कॉमन वायर है ये हम जो प्लस है, मेरे जो प्लस एक साथ किया है उसमें लगाएंगे, और ये जो चार्ज वायर दिख रहा है, 4 वायर दिख रहा है, ये सब हम ये जो ट्रांजिस्टर है 4 ट्रांजिस्टर उनका जो मिडिल लेग है वहाँ कनेक्ट कर देंगे, जो
जो मिडिल लेग है ट्रांजिस्टर का, सब एक एक मार करके कनेक्ट कर देंगे। देखिए हो गया है फ्रेंड्स, आपको समझने के लिए तकलीफ हो रहा है तो आप ड्राइंग देख लीजिएगा, वीडियो का एंड में दे देंगे। फ्रेंड्स देखिए ये कंप्लीट हो, देखिए जो पांच वायर निकला है यहाँ से एक कॉमन वायर है, तो जो कॉमन वायर है वो पूरा नीचे रहेगा, सभी का नीचे रहेगा, उसके ऊपर रहेगा आपका जो व्हाइट कलर का जो एलईडी का जो वायर आया है, जो ट्रांजिस्टर से मिडिल वायर से आया है, वो कॉमन का ऊपर रहेगा, उसके बाद रहेगा ग्रीन कलर, उसके ऊपर रहेगा रेड, और सभी के ऊपर रहेगा बाजार। तो आप देख लीजिएगा और आप ड्राइंग देख के भी आप समझ सकते हैं। तो चलिए आपको हम चेक करके दिखाता हूँ। देखिए पहले कॉमन, उसके बाद व्हाइट, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद रेड, उसके ऊपर रहेगा बाजार। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया है, समझ में नहीं आया तो वीडियो का एंड में एक ड्राइंग दे देंगे, आप देख लीजिएगा। उसके बाद चलिए हम आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो देखिए हमने एक ग्लास ले लिया, ग्लास में हम ऐसा करके लगा देंगे, उसके बाद पानी डालेंगे, देखते हैं क्या होता है। देखिए पहले व्हाइट कलर का जल रहा है, उसके बाद ग्रीन कलर जलेगा, देखिए ग्रीन कलर जल रहा है, उसके बाद रेड जलेगा, रेड जलने के बाद जब टंकी जब फुल हो जाएगा उसके बाद बाजार जलेगा, बाजार बाजेगा, देखिए बाजार बाज रहा है। फ्रेंड्स देखिए ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमने भी सोचा नहीं था ऐसे काम करेगा। फ्रेंड्स आपने सोच रहे हैं ये जो एलईडी बल्ब ने हम ये सर्किट बोर्ड फिट किया ये किस लिए? फ्रेंड्स इसलिए फिट किया, आपका जो घर में जो वायरिंग है, वायरिंग में जो होल्डर लगा हुआ है, वो होल्डर में आप ये बल्ब एलईडी बल्ब आसानी से लगा सकते हैं। उसके बाद क्या करिएगा, वो जो वायरिंग है, वायरिंग का अंदर से ये जो पाँच वायर है ये ले जाके आपका जो वायर वाटर टैंक है छत के ऊपर, वहाँ पर ले जाके आप आसानी से फिट कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए हम एलईडी बल्ब के अंदर फिट किया। आप चाहेंगे तो आप ये कोई भी बॉक्स नहीं तो प्लास्टिक का जो डब्बा है उसमें आप फिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, और लाइक करके मेरा चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बोलिए कैसा लगा वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।